हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मतलब कि पिछले वाले वीडियो में जो है आपने इतना सपोर्ट दिया कि यार बात ही मत पूछो, और मुझे भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा वो देख के कि यार आप लोगों का अभी तक इतना सपोर्ट है। तो 5 महीने से जो मैंने यूट्यूब को सब मतलब कम्प्लीटली छोड़ ही दिया था, लेकिन आप लोगों की इतनी सारी कमेंट आ रही है कि भाई डेली व्लॉग बनाओ। लेकिन यार गाइस, जो मेरा काम ऐसा है कि मैं डेली के व्लॉग तो नहीं मतलब बना सकता हूँ, लेकिन टाइम निकाल के कुछ मतलब 1-2 घंटा निकाल के आपके लिए अच्छे अच्छे जो मेरे क्लिप्स है वो मैं लेके आपके अंदर मतलब वीडियो के अंदर व्लॉग में दिखा दूंगा कि क्या क्या मैं करता हूँ। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी गाइस, तो ये जामनगर का ओवर ब्रिज है और अभी बारिश चल रहा है, मतलब मानसून का सीजन है। मतलब 3-4 हफ्तों के बाद यहाँ पर बारिश अच्छे से आज हुआ है। हमारी गाड़ी लेने के लिए और मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है आज गाइस, देख लो। बारिश आई और बारिश के बाद का मौसम जो एक नंबर हो रहा है, देख लो। अभी ऊपर का व्यू तो चला गया, अभी नीचे आ गए, व्यू एक नंबर आ गए। गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 11:30 बज रहे हैं और घर पर जा रहे हो। और मतलब देखो, इतने टाइम पर मुझे जो घर पर जाना पड़ता है क्योंकि ऑफिस से मैं जो लेट मतलब मेरी छुट्टी होती है और काम ही ऐसा है यार, क्या करें। और कहीं यहाँ पर मतलब सन्नाटा देख लो, मतलब पूरा जो सुनसान रास्ता और टाइम मतलब बहुत ज़्यादा है यार, मेरा चला जाता है काम के। तो यार आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो शूट करने भी पड़ते, क्या करना। ये JADC वाला रास्ता है क्योंकि यहाँ से मेरा घर जो मतलब होम है वो बहुत पास मतलब पड़ता है। तो अब भी मैं मेरे ऑफिस से घर का रास्ता करीब 20-25 मिनट का है, समथिंग 8-8.5 किलोमीटर हो जाता है मेरा घर का रास्ता। और गाइस, जो अभी मतलब क्या कर काम भी मतलब ऐसा है भी करना पड़ता है, करना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं आया हूँ तो यार पैसे कमाने के लिए आया हूँ ना, मुझे मतलब ठीक हो जाए तो बढ़िया है हमारे लिए भी और हम आपके लिए आए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी ला सके। कोई नहीं, चलो काम करते रहते अपना, क्या है। बाकी यार यहाँ पर ये वाली जो लाइन है यहाँ पर यार डॉग्स का जो वो स्टे डॉग जो होते हैं वो बाहर रहने वाले, उनका यार बहुत प्रॉब्लम है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि जब हमारे मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं तब तो यार वो पीछे पड़ जाते हैं और ऐसा रास्ता है, देख लो। तो देख लो भाई, ये हालांकि ये अभी मतलब कि जब मानसून का टाइम आता है तब यहाँ पर ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि मैं पिछले साल आया था मानसून में आया था, मानसून में आया था तब भी यहाँ पर ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। कुछ गिने चिने जो रोग होते हैं वही बन पाते हैं, बाकी के अंदर के जो वो रह जाते हैं। तो जामनगर के अंदर जो अभी बारिश जस्ट स्टार्ट हुई है, मतलब हम जहाँ पर थे वहाँ पर बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे ही बेड़ वाला जो टोल गेट है वो हमने पार किया उसके बाद बारिश बहुत अच्छी से मतलब बहुत जोर जोरों से होने लगी है।
और मैंने मेरे पापा को भी पूछा था तो वो बता रहे थे करीब एक घंटे से हमारे जामनगर में बारिश चल रही है और गाड़ियाँ जो कितने पानी जो मतलब पानी के छींटे उड़ाई जा रही है और एकदम मज़ा आ रहा है यार, क्या कर अभी कुछ नहीं कर सकते, मतलब ऐसे इंजॉय करना है बस, और तो कुछ नहीं करना है। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग को जो है वो कंटिन्यू करते हैं और आपको भी दिखा दें कि क्या अभी चल रहा है यहाँ पर मौसम। और न्यूज़ में आ रहा था कि पोरबंदर द्वारका साइड उस साइड बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो अभी यार वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, तो मुझे भी लग रहा है काश यहाँ पर भी ऐसे ही होने वाली है। मतलब हमने कुछ देखा तो नहीं, लेकिन जो न्यूज़ में बता रहे हैं वही मैं आपको बोल रहा हूँ। और गाइस इस साइड मैंने अभी जस्ट आधे घंटे से मैं जस्ट देख रहा हूँ, यहाँ पर कम से कम 10 से 12 बार यहाँ पर इस साइड जो बिजली गिर चुकी है। अभी भी हम मतलब ब्लॉग को जो स्टार्ट मतलब वीडियो को मैं स्टार्ट रखूँगा, अगर कुछ दिखाई देता है तो ठीक है, देखते हैं। बारिश इतनी ज़्यादा से मतलब ज़ोरों से होने लगी है कि कुछ मतलब विजिबिलिटी ही नहीं है और बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है कि यार बात ही मत पूछो। और बिजली इतनी मतलब बरस रही है, देखो अरे यार हम तो लेकिन फाइनली सेफ है, मतलब कुछ है नहीं। और बाहर देखो मतलब यार कैमरे के अंदर बारिश का पानी जो दिखाई नहीं देता, लेकिन विंडशील के आगे आपको जरूर से दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या है। मतलब देखो पूरी मतलब 20% ही अभी इतना सारा पानी है कि यहाँ पर पूरा समुंदर जैसा भर चुका है, कोई नहीं चलो हाँ अभी जाने देते हैं। और पानी देखो कैसा, ओ माय गॉड यार पानी इतना मतलब भरा हुआ है कि यार बात ही मत पूछो। और गाड़ी को बस बंद नहीं होने देना है, रॉन्ग साइड में जा रहे हैं क्योंकि उस साइड जो पानी में एक गाड़ी बंद हो चुकी है, कोई नहीं चलो हम तो निकल गए फिलहाल। यहाँ पर पानी हो चुका है पूरा ही, देख लो पूरी दुकानें और सड़क हाईवे सब जगह पर पानी हो चुका है। हम यहाँ पर आए थे फेमस ये जो घुघरा है वहाँ से सब पार्सल करवा लिया है और फुल पानी है, विशाल चौका है ये। गई तो बारिश इतनी नहीं हुई थी, लेकिन सिटी है, सिटी के अंदर मतलब नॉर्मली बात है कि पानी तो आ ही सकता है और इकट्ठा भी हो सकता है क्योंकि जाने का जो कोई रास्ता इतना मतलब होता नहीं है, तो पानी तो यार होगा ही जमा, कोई नहीं। मैं अभी जहाँ से देख लो मैं अभी जिस जगह से आया ना गई वहाँ पर मैं मतलब मेरा कैमरा निकल नहीं सकता था बाहर और बारिश भी मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्ट थी, तो वहाँ पर यार मैं शूट नहीं कर पाया था। बाकी आज ऐसा लग रहा है कि नहीं जामनगर के अंदर सच में आज बारिश आई है, वरना अभी तक तो यार बारिश ही नहीं हुई थी यहाँ पर जामनगर में। अभी तक मतलब जहाँ पर ऊंचाई वाला एरिया है वहाँ पर रोड ऊंचा, जहाँ पर मतलब ढलान है वहाँ पर पानी भर जा रहा है और बाकी की जगह पर नहीं भर रहा है। अभी आगे हम जाएंगे वहाँ पर भी देखना ऐसा ही सेम हाल है, कोई नहीं चलो जाते आगे दिखाता हूँ आज तो भाई। देख लो ये क्लियर कर ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उस साइड जाने का रास्ता नहीं है, तभी ये जो गाड़ी वाले सब मतलब देख ले रहे हैं आगे जाने का रास्ता नहीं होगा गाइस। देख लो बाकी पानी देख लो एक बार, सब जगह पर पानी है, कोई नहीं हम तो जो बीच में ही चलाएंगे गाड़ी को, क्योंकि साइड में चलाएंगे तो शायद गड्ढा भी हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कौन सा जो ढक्कन होता है गटर का वो खुल गया हो शायद। और देखो सब जगह सब मतलब पानी यहाँ से आ रहा है खेत में से, ये पूरा पानी से फिल हो चुका है, कोई नहीं चलो तो हम तो अभी यहाँ पर मतलब क्लियर रोड आ चुका है, तो चलो अभी घर पर जाते हैं।